रिकॉर्ड जो है रिकॉग्नाइज होगा इंशाल्लाह, क्योंकि ये हाईएस्ट एल्टीट्यूड इवेंट के लिए मुझे नेपाल से इन्विटेशन भी हुई है, और मैं इसमें पहला और इकलौता पाकिस्तान में जो इसको परफॉर्म करने जा रहा हूँ। और दूसरी इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जो ओपोनेंट है मेरा वो इंडिया है, सम्राट ट्रेन। तो सम्राट ने मुझे चैलेंज किया था कि लास्ट टाइम जो है आपने ट्रेन पर किया था वो दूसरा इंडियन था, तो इट वॉज जो एक दुनिया का हाईएस्ट एल्टीट्यूड पर हो जाए और गिनीज बुक का ये अटेम्प्ट है। अच्छा बिलाल, इंडियन रेसर जो बाकी से जैसे मुकाबला होता है जब किसी भी खेल में हो तो बड़ा ही जोश और वाला होता है, तो कितनी कुछ आपने तैयारी की है कि हम मैंने जो है वो भारतीय हरीफ को वहाँ पर उसने चैलेंज किया उसको हरा के आने। मेरी इसमें अलहमदिल्ला बहुत ज़्यादा अच्छी और बहुत टफ इसमें तैयारी हुई है। लाइक सबसे पहले तो हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे जहाँ पे ऑक्सीजन भी ऑलमोस्ट मौजूद नहीं है उस जगह पे रेस्टिंग की तैयारी करने के लिए डेफिनेटली आपको पता है स्टैमिना की बहुत ज़्यादा नहीं होती है, तो उसके लिए काफ़ी टफ जो है जिम ट्रेनिंग और काफ़ी जो है डाइट प्लान हमारा जो है। इवन आज भी जो है हमारा एक प्रैक्टिस मैच है यहाँ कराची में, तो समझिए मैं फुल प्रिपेयर हूँ इस इवेंट के लिए। और फिर दूसरी चीज़ ये कि वहाँ की सर्दी को बर्दाश्त करना, क्योंकि कराची का वेदर और माउंट एवरेस्ट का ऑलमोस्ट 5,644 मीटर की हाइट पर रेस्टिंग करना, तो उस वेदर के लिए अपनी बॉडी को रेडी करने में काफ़ी ज़्यादा जो है मेहनत करनी पड़ी है। लाइक